अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो वैसे तो वड़ा पाव सब बनाते और खाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कीमा वड़े पाव की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनेगी और खाने भी बहुत ही मस्त लगती है। तो मैं एक मीडियम साइज कांदा चॉप कर ली थी और 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल ली थी और उसका छिलका निकाल ली थी। फिर ले ली थी एक कढ़ाई, इसमें उसको होने दी थी गरम। उसमें फिर मैं ऐड कर दी थी 1 टेबल स्पून के करीब तेल, 3 से 4 कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद उसमें ऐड कर दी थी 1 टीस्पून के करीब राई ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी चटनी। तो चटनी जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा लेती हूँ लहसुन मिर्ची जीरा, वह ऐड करने के बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए भून लेती ताकि जो चटनी में जो भी पानी उसका वो सूख जाए। फिर मैं ऐड कर दी थी हल्दी 1 टीस्पून के करीब। हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी भूखी लाल मिर्ची ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी। इसको मिक्स कर ली थी, मिक्स करने के बाद में क्योंकि मसाला में जल रहा था तो इसको अच्छे से मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी जीरा पाउडर ऐड करके भी मैं इसको चला ली थी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी आलू जो हम बॉईल किए थे, उसको मैं अच्छे से मैश कर ली थी। मैश करने के बाद मैं ऐड कर दी थी, फिर इसमें अपने स्वाद के मुताबिक नमक ऐड कर दी थी और उसको तो अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर ली, अंदर ऐड कर दी थी। फिर कोथमीर और मैं इसके बाद कर दी थी कीमा और मटर को मैं बॉईल कर ली थी, वो भी ऐड कर दी थी, उसमें वीडियो लेना भूल गई। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी कांदा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर ली थी। फिर मैं ली थी 1 कप के करीब बेसन में डाल दी थी मैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि बेसन में नमक लेना जरूरी है। फिर हल्दी डाल दी थी, हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसको तो अच्छे से मैं घोर ली थी। और मैं इस बात का हम ध्यान रखें कि बेसन में जरूरी नहीं रहना चाहिए एकदम अच्छे से इसको बेसन को फेंट लेंगे। यहाँ पर मैं कढ़ाई ली थी, उसको मैं गर्म होने के लिए रख दी थी, इसमें तेल। फिर मैं पाव ली थी, पाव को इस तरीके से बीच में से 2 टुकड़ा कर ली थी। उसके बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा था पाव वो ऊपर का मैं निकाल दी थी। निकालने के बाद मैं इसके ऊपर हम अच्छे से सब लगा दी थी जो मसाला बनाए थे, तो मैं जैसे वो दोनों साइड लगा के इस पाव को फिर मैं बंद कर दी थी। बंद करने के बाद इस तरीके से हम सारे पाव में बैटर डाल लेंगे जिससे हम सब इसमें डाले थे, इसी तरीके से सब बना के रख लूंगी। तो तेल एकदम अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और उसके बाद फिर जो हम बेसन बनाए थे बेसन के अंदर मैं पाव को ऐड कर डाल दूंगी। डालने के बाद अच्छे से इसमें बेसन लगा लूंगी पाव के ऊपर हर तरफ से ताकि कहीं से छूटे ना। फिर तेल में इस तरीके से हम आराम से डाल देंगे, ध्यान रखेंगे तेल हमारे हाथ पे ना आए, इससे तो आराम से हम डालेंगे तेल में। फिर इसको तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा गोल्डन सी हो जाए, ताकि बेसन कच्चा ना रहे, इसलिए तो इसको धीमी आंच पे मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे पलट पलट के। इसको फ्राई कर लियो, अब मैं इसको निकाल लूंगी, इस तरीके से हम सारी ब्रेड फ्राई कर लेंगे। और मेरे ये कीमा वड़ा बहुत तैयार है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।